आसनसोल के काली पहाड़ी इलाके में दो दिनों पहले हुई भूधंसान में चार घरों को हुए नुकसान के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए काफी हंगामा मचाया। इस दौरान ग्रामीणों ने चल रहे ओपन कास्ट कोल माइन में जाकर प्रदर्शन किया और वहां खड़ी एक ड्रिल मशीन को भी आग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि कोयला उत्खनन के लिए खदान के मालिक लगातार जमीन में विस्फोटक लगाकर ब्लास्टिंग कर रहे हैं और इसी वजह से अक्सर उनके घर तक हिल जाया करते हैं। इस तरह के लगातार हो रहे ब्लास्टिंग के बाद ओपन कास्ट माइंस के बगल में स्थित चार मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस के साथ ही दमकल विभाग की इंजन भी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन और दमकल की फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद से पूरे इलाके में काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कल कुछ लोकल लोगों ने यहाँ पे हम लोगों को ये किया था कि हमारे कुछ घरों में क्रैक आ रहा है और क्या क्या हो रहा है, तो इसको लेके हमारे यहाँ पे एजेंट साहब और जीएम साहब सब मिलके एक तय किया गया कि चलो इसका एक फैसला जब तक नहीं होता है मशीन और साइट को बंद रखा जाए। हम लोगों ने बंद रखी थी। बंद रखने के बाद ये आज सुबह की घटना है कि सब जब खाना मेंटेनेंस चल रहा था, मेंटेनेंस करने के बाद सारे नीचे बैठ के आपस में बैठे थे, काम तो चूंकि बंद ही है तो सब आपस में बैठ के खाना पीना कर रहे थे, वहाँ पे नाश्ता करने जैसे गए इन बिटवीन कोई आया और एक कंप्रेशर में हमारे आग लगाया और उस आग लगाने के बाद उसको जब आग बढ़ गई उसके साथ साथ दूसरा हमारा डोजर में भी आग लग रहा था। इन द मीन टाइम हमारी मशीनों ने जल्दी जल्दी उसको मट्टी दे के आग को काबू में लाया। इसके साथ साथ हमने ये फायर ब्रिगेड को भी बुलाया था, वो फायर ब्रिगेड भी आई और उसमें पानी दे के अभी कंट्रोल में सिचुएशन को लाया है। लेकिन इन द मीन टाइम हमारी मशीनें दोनों जल गई हैं। कितने का नुकसान हुआ? नुकसान ये 27 लाख की मशीन है और एक मेरा डोजर है, ये 70 लाख रुपए का डोजर है। अब इसमें कितना नुकसान है वो अब खुलने के बाद ही पता चलेगा। कौन लोग जला सकते हैं कुछ? जो अब हमारे तरफ से तो ये देखा हुआ नहीं है तो मैं किसी को बोल भी नहीं सकता हूँ कि इन्होंने किया या उन्होंने किया। मे भी जिसने भी किया है उनको इससे प्रॉब्लम है, उन्होंने किया है। जिनको ये प्रॉब्लम है, कल भी उन्होंने कल यहाँ पे प्रोटेस्ट दे के बंद करवाया है और हमने उसकी मानना रखी है, बंद रखा है। अब अगले क्यों बंद करने के बावजूद भी ये कि ये विषय हमारा नहीं है, ये विषय पुलिस और तदंत अधिकारियों का है, जो वो इसको तदंत करें